लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x dash ox and y o y dash as a coordinate axis and plot them on of the following points. Points लिख लेते हैं friends. पहले कौन कौन से points हमें plot करने हैं. A is 5 3. Second point is B 6 2. Third point is C minus 5 and 3. Fourth point is D 4 and minus 6. Fifth point is E minus 3 minus 2. Sixth point is F minus 4 and 4. Seventh point is G 3 and minus 4. Eighth point is H 5 and 0. Ninth point is I 0 and 6. Tenth point is J minus 3 and 0. Eleventh point is K 0 and minus 2. And twelfth point is Z O 0 0. Right friends, now we will make a graph. Friends, एक important बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि linear equation start करने से पहले, linear equation two variables start करने से पहले, please आप ये करें जिससे कि आपको coordinates points बनाना आ जाए. Right friends, now we will make x axis and y axis. जो ऐसी होती है that is called our y axis. And this is our x-axis, right friends? ये x positive होता है, ये y positive होता है, ये x negative होता है और ये y negative होता है, right friends? ये first quadrant कहलाता है जिसमें x की value और y की value दोनों positive होती हैं. राइट फ्रेंड्स, ये जीरो है, यहाँ एक्स की वैल्यूज आती हैं. मैं टू से ले रही हूं, टू फोर सिक्स एट एंड टेन. सिमिलरली टू फोर सिक्स एट एंड टेन. यहां पे माइनस की आएंगी, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट. सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस की एक्स वाई की माइनस की, माइनस टू ये एक्स की थी, ये वाई की आएंगी, माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट एंड माइनस टेन. अब कोऑर्डिनेट्स कैसे पॉइंट करते हैं, पहली चीज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट मींस ये हिस्सा, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. यहाँ पे दोनों x की भी y की भी वैल्यूज पॉजिटिव होती है. क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पॉजिटिव है एट y. इन दोनों की यहाँ पे प्लॉट होगी, इसकी और इसकी यहाँ होगी. पहली चीज, ये जो पहली वैल्यू होती है ये x की कहलाती है. किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट में पॉइंट करने के लिए ये पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी. अब जैसे a पॉइंट करना है, a में x 5 है एंड y 3 है. x 5 देखिए यहां आ रही है एंड y 3 यहां आ रहा है. तो देखिए 3 का 5, ये 5 है यहां तक, जहां पे 3 आ रहा है वहां तक बनाया और ये हमारा है 3 y 3. तो ये जो पॉइंट आया है दैट इज कॉल्ड a पॉइंट 5 and 3. राइट फ्रेंड्स, ऐसे आप मार्क करेंगे, हर एक पॉइंट मार्क करेंगे. लाइक सेकेंड इज बी 6 and 2. तो x कितना हो गया 6 एंड y कितना हो गया 2. x 6 एंड y 2. तो ये देखिए 2 को 6 तक एक्सटेंड करेंगे
एंड ये रहा सिक्स, दिस इज द बी पॉइंट, सिक्स एंड टू. नेक्स्ट इज सी इज माइनस फाइव एक्स है, माइनस के एक्स इधर की साइड है, माइनस फाइव एंड वाई थ्री. तो देखिए वाई पॉजिटिव किस साइड है, इस साइड है, तो माइनस का फाइव ये और वाई थ्री इधर की तरफ आएगा क्योंकि एक्स माइनस का हो गया है. राइट फ्रेंड्स, तो ये आ गया माइनस फाइव एक्स का एंड वाई थ्री. राइट फ्रेंड्स, तो ये आ गया सी पॉइंट माइनस फाइव एंड थ्री. नेक्स्ट पॉइंट डी पॉइंट इज एक्स फोर, एक्स पॉजिटिव है फोर एंड वाई माइनस सिक्स, वाई माइनस के नीचे की साइड है ये रे, तो एक्स फोर, एक्स फोर यहाँ है एंड वाई माइनस सिक्स, माइनस सिक्स देखिए ये रहा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा वाई माइनस सिक्स को फोर तक एक्सटेंड करेंगे और एक्स फोर. राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आया डी पॉइंट फोर एंड माइनस सिक्स. फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं, इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव रहता है और वाई पॉजिटिव रहता है, इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहते हैं, इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहता है एंड वाई नेगेटिव रहता है. राइट फ्रेंड्स, नाउ ई पॉइंट देखिए दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस इस क्वाड्रेंट में आते था माइनस थ्री एंड माइनस टू, पहला है माइनस थ्री दैट मीन्स एक्स इज माइनस थ्री एंड वाई इज माइनस टू, तो ये आ गया पॉइंट एक्स इज माइनस थ्री एंड वाई इज माइनस टू, तो इसको हम कर देंगे ई पॉइंट. राइट फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए माइनस थ्री माइनस टू. नेक्स्ट इज एफ माइनस फोर एंड फोर, एक्स किस में नेगेटिव था इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, वाई किस में पॉजिटिव था इसमें, तो इसमें आएगा एक्स माइनस फोर एंड वाई फोर. राइट फ्रेंड्स, तो ये आ गए यहां तक. ये आ गया पॉइंट हमारा एफ, एफ पॉइंट. राइट फ्रेंड्स, मैं आगे की ये कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रही हूं. नेक्स्ट इज जी पॉइंट एक्स थ्री वाई माइनस फोर, एक्स प्लस का इसमें रहता यहाँ है और वाई माइनस का इधर है, तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेंट हो गया एक्स थ्री एंड वाई माइनस फोर, एक्स हो गया थ्री एंड वाई माइनस फोर. राइट फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारा जी पॉइंट. राइट, दिस वन. नाउ नेक्स्ट इज एक्स फाइव, एक्स फाइव एंड वाई जीरो, दिस इज द पॉइंट. ये आ गया हमारा एच पॉइंट, इसमें कोई मार्क नहीं करेंगे क्योंकि वाई जीरो है, इसके अलावा कोई कहीं जाएगी ही नहीं, क्योंकि अगर y जीरो है तो हमारी वैल्यू सिर्फ x की तरफ भागेगी और अगर x जीरो है y की वैल्यू दे रखी है तो y की तरफ भागेगी, तो वही एक पॉइंट होगा, कोई लाइन करके कोऑर्डिनेट करके पॉइंट नहीं लगाया जाएगा. राइट फ्रेंड्स, नाउ i इज x जीरो y सिक्स, x जीरो तो यही रहेगा, y सिक्स यहां आ गया, तो दिस इज द पॉइंट i पॉइंट. राइट फ्रेंड्स, सिंपल. नेक्स्ट इज जे पॉइंट माइनस थ्री एंड जीरो, एक्स है माइनस थ्री एंड जीरो, दिस इज द पॉइंट जे पॉइंट. राइट फ्रेंड्स, नाउ इलेवेंथ पॉइंट के इज जीरो एंड माइनस टू, दैट मीन्स वाई इज माइनस टू, वाई माइनस टू है और एक्स जीरो है, जीरो यहीं रहेगा, वाई माइनस टू ये हो गया, तो दिस इज द के पॉइंट. राइट फ्रेंड्स, ओ पॉइंट इज जीरो जीरो, दैट मीन्स दिस इज द ओ पॉइंट. This is the answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.